बीजेपी के दिल्ली प्रभारी श्याम जाजू ने केजरीवाल के बयान पर आपत्ति जताई। आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा से बातचीत में उन्होंने कहा, क्या कुछ कहा सुनिए। कल जिस तरीके से दो बच्चों के साथ रेप हुआ था, उसके बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री को चैन की सांस नहीं लेने देंगे। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए दिल्ली के प्रभारी श्याम जाजू जी। श्याम जी, आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री को चैन की सांस नहीं सोने देंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके अंडर आती है और इस तरीके से दो बच्चियों के साथ रेप हुआ है, इसके बाद सरकार को जगाना होगा हमको। देश में 36 राज्य है, 36 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का संबंध आता है प्राइम मिनिस्टर से। देश के प्राइम मिनिस्टर ये पूरे देश के होते हैं, कोई पार्टी के प्रतिनिधि नहीं होते। किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए इस प्रकार की भाषा का उच्चार कर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का अपमान करना, उनका सम्मान नहीं रखना, ये कोई मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। दिल्ली में जो घटना हुई है वो दुर्दैवी घटना है, उसमें गुनहगारों को सजा होनी चाहिए, पुलिस को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। वो डिमांड करते समय अपनी मर्यादाओं का ध्यान न रखते हुए जिस प्रकार की भाषा का, अप्रतिष्ठित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और डिग्निटी मेंटेन नहीं की जा रही, दिल्ली के मुख्यमंत्री को इसके बारे में सोचना चाहिए। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि वो शीला दीक्षित नहीं है जो इस तरीके की घटनाओं पर चुप बैठ जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। हमारा केजरीवाल जी को एक आह्वान है, उन्होंने बनाया हुआ मैनिफेस्टो एक बार वो खोलकर पढ़ने का जरा कष्ट करना चाहिए। उन्होंने जो कहा था कि वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए 10,000 का फोर्स बनाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 5,000 मार्शल्स लगाएंगे। एक साल हुआ है आप पार्टी को सत्ता में आने के बाद, एक भी कोई महिला सिक्योरिटी फोर्स की उन्होंने कहीं रिक्रूटमेंट की होगी या कोई पब्लिक मार्शल कहाँ बसों में बिठाए होंगे? अपने बारे में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, और केवल केंद्र पर हम आरोप करते रहेंगे और मोदी को चैन की नींद लेने नहीं देंगे इस प्रकार।